दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन ऐप पर। आज बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद के दूसरे भेद अभिकारी शब्द। पहली वीडियो मेरी भिकारी शब्द एवं उसके भेद पर थी, दूसरी वीडियो मेरी अभिकारी शब्द के एवं भेद पर है। अभिकारी शब्द की परिभाषा है, अभिकारी शब्द की परिभाषा दोस्तों जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है अभिकारी शब्द कहलाता है। रिपीट अगेन, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है अभिकारी शब्द कहलाता है। इसके चार भेद हैं। बात करते हैं इसके पहले भेद क्रिया विशेषण। पहला भेद है इसका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पहला भेद है इसका क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा दोस्तों वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण है जैसे इसमें लिंग, वचन अथवा कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे राधा बाहर बैठी है, राधा बाहर राधा बाहर बैठी है। और दूसरा उदाहरण इसका अतुल बाहर बैठा है, अतुल बाहर बैठा है। बाहर क्या है? बाहर अभिकारी शब्द है। इसमें बाहर क्या है? अभिकारी शब्द है। इसमें लिंग में चेंज हो रहा है, राधा लड़की है, अतुल लड़का है, लेकिन इसे अभिकारी शब्द में कोई चेंज नहीं हुआ। परिभाषा के अनुसार लिंग, वचन अथवा कारक के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाहर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन अभिकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द की परिभाषा है वे शब्द जो दो शब्दों और दो वाक्यों के बीच संबंध बतलाते हैं संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों और दो वाक्यों के बीच संबंध को बतलाते हैं संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे जैसे रेखा के साथ रेखा के साथ कमला आएगी। दूसरा है सागर के साथ दिवाकर आएगा, दिवाकर सागर के साथ दिवाकर आएगा, सागर के साथ दिवाकर आएगा। इसमें स्त्रीलिंग रेखा है और सागर क्या है? पुल्लिंग। लेकिन जो अधिकारी शब्द है, अभिकारी शब्द इसमें के साथ है, इसमें के साथ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्त्रीलिंग रेखा है, पुल्लिंग है, लेकिन दोनों उदाहरणों में अभिकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभिकारी शब्द का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की परिभाषा दोस्तों वे शब्द जो दो शब्दों व वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे जैसे गीता और सीता
गीता और सीता पढ़ाई कर रही हैं। गीता और सीता पढ़ाई कर रही हैं। दूसरा उदाहरण है राम और मोहन पढ़ाई कर रहे हैं। राम और मोहन पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें गीता स्त्रीलिंग शब्द है, राम पुल्लिंग शब्द है, इसमें अधिकारी शब्द और है, इसमें भी और है, लेकिन अधिकारी शब्द में कोई चेंज नहीं है। भले गीता स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग है, लेकिन अधिकारी शब्द में कोई चेंज नहीं है। और यहां दो वाक्य एवं दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, यहां भी और जो दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। अविकारी शब्द का चौथा भेद है विस्मयादिबोधक शब्द। विस्मयादिबोधक शब्द की परिभाषा है वे शब्द जिनके द्वारा हर्ष भाव क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है, विस्मयादिबोधक शब्द कहलाता है। वे शब्द जिनके द्वारा हर्ष भाव क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द का चिन्ह दोस्तों, विस्मयादिबोधक को हम इस चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, देखते हैं। उदाहरण है जैसे अरे, अरे, अरे राधा गा रही है, अरे राधा गा रही है, अरे राधा गा रही है। दूसरा उदाहरण है अरे, अरे मोहन गा रहा है, मोहन गा रहा, अरे मोहन गा रहा है। अविकारी शब्द इसमें क्या है? अरे इसमें अविकारी शब्द है, लेकिन राधा स्त्रीलिंग है, मोहन पुल्लिंग है, लेकिन इसमें अविकारी शब्द में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अरे राधा गा रही है, अरे मोहन गा रही है, राधा स्त्रीलिंग शब्द है, मोहन पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसमें अविकारी शब्द में कोई भी चेंज नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।